बार फिर तालियां बजा दें। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्रिसमस का मौका है, आप खुश हैं? हालेलुया, मुस्कुराते चेहरों के साथ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। मसीह यीशु के पाक कदूस और छलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद खुदा का शुक्र गुजार हूं कि उसका फजल बनी नो इंसान पर हुआ है। ये किसी खास कौम, कबीले, किसी खास नस्ल के लिए नहीं, ये उसका फजल जहान के लिए है। क्योंकि खुदा के कलाम का जब हम मताले करते हैं तो बड़ी वाज़े तालीम है कि खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये जहान के लिए है, ये जो बख्शिश जारी हुई है, ये जो खुदा के कलाम की नबूवतें पेशनगोइयां पूरी हुई हैं, ये खुदा का इल्हाम है और दुनिया के लिए है और दुनिया इसी के वसीला से निजात पाती है। मत्ती की इंजील को पढ़ते हैं तो रसूल बड़े जबरदस्त तरीके से मसीह की पैदाइश हमारे सामने रखता है और इस बात को बयान करता है कि अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई। के मकदस मरियम की मंगनी यूसुफ नाम एक शख्स से हो गई और उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूल कुदस की कुदरत से हामला पाई गई और फिर मकदसा मरियम के मंगेतर के बारे में लिखा कि यूसुफ रास्तबाज शख्स है और वो नहीं चाहता कि अपनी मंगेतर को, अपनी बीवी को बदनाम करे, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा करता है और खुदा का फरिश्ता ख्वाब में उसे ये पैगाम देता है कि ए यूसुफ, तू अपनी बीवी को अपने हां ले आने से ना डर, ना घबरा, जो कुछ उसके पेट में है वो रूल कुदस की कुदरत से है, ये पकीज़ा औरत है, ये मुकद्दस औरत है और ये एक अजीम खातून है और जो कोई उस पर उंगली उठाता है मैं समझता हूं कि वो गुनहगार ठहरता है, गुनाह की हालत में निकल जाता है। हम सबों को इस पकीसा और मुकद्दस और पाक कुमारी माँ मरियम से हमेशा मोहब्बत करने और उसकी इज्जत करने की जरूरत है क्योंकि उससे नजात दहिंदा पैदा हुआ है। खुदा के कलाम में यशाया का सहीफा ये बताता है, इस बात को वो हम सबों के सामने पेश करता है, एक कुमारी हामला होगी, उसके बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे और ये
फजल खुदा की तरफ से कि खुदा हमारे साथ मुकद्दसा मरियम के वसीला से हुआ है। और जब लूका की इंजील को पढ़ते हैं तो फरिश्ते का पैगाम बड़ा वाज़े है और वो आकर कहता है सलाम तुझको, तेरी सलामती हो, तुझ पर फजल हुआ है और तुझसे नजात दहिंदा पैदा होगा। और इसी हिस्से को जब हम दूसरे बाब में जाकर देखते हैं तो लिखा है कि एक ऐलान हुआ है कि इसम नवीसी हो और इसम नवीसी के लिए मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम जो हैं वो भी निकले हैं। गवर्नमेंट का आर्डर है इसम नवीसी हो। आज तो आपके दरवाजे पर आकर आपके इंदराज हुए हैं, लेकिन उस वक्त इनको अपने इंदराज के लिए अपने अपने इलाका में जाना ज़रूरी था। और ये रवाना हुए और उस इलाका में पहुंचे, शहर में रश लगा हुआ है, कोई होटल खाली नहीं, कोई सराह खाली नहीं, मकान किराए पर नहीं मिल रहा और उन्हें अस्तबल में रहने का मौका मिला। और अंजील ये बताती है दूसरे बाब के शुरू ही में कि उसके वाज़े हमल का वक्त आ ठहरा, डिलीवरी का वक्त आ ठहरा और उस वक्त वो जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुदावंदों का खुदावंद है, उसे जो जगह मिली है वो चरनी। चरनी के लिए अक्सर जो है एक स्केच कलीसिया खींचती है, एक झोंपड़ी बनाती है। ये झोंपड़ी नहीं है, चरनी चरने की जगह है, वो जगह जहां जानवरों के सामने चारा डाला जाता है, वो हिस्सा या वो जगह जो है उसको चरनी कहते हैं। और चरनी जो चरने की जगह है उसमें मेरा और आपका मसीहा, मेरा और आपका निजात दहिंदा, उसकी पैदाइश होती है। और इस हिस्से को जो दूसरे बाब में है इससे आगे मैं इसकी तलावत करने को हूं। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की गल्लाबानी कर रहे थे और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गरो
खुदा की तमजीद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ता उनके पास से आसमान पर जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ चरवाहों ने आपस में कहा आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है देखें। पास उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ पाया। उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही ताज्जुब किया। मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही और चरवाहे उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर जो कुमारी मरियम से है और इसकी बाइबल मुकद्दस में नबूवतें नजर आती हैं, जब पैदाइश होती है तो लिखा उसी इलाका में कुछ चरवाहे थे, गडरिये थे, वो जो अपनी भेड़ बकरियों की निगहबानी कर रहे थे। उनके चगीर खुदा उनका जलाल आकर चमका, उन्होंने खुदा के जलाल को एक रोशनी की सूरत में देखा और जब उन्होंने उस रोशनी को देखा तो घबरा गए, डर गए, क्योंकि वो उस इलाका में आज पहली दफा ना थे बल्कि हमेशा उस इलाके में वो रहकर अपने गल्ला की गलाबानी और निगाबानी करते थे। आज कुछ मंजर मुख्तलिफ है, आज का नजारा बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये उन्होंने कभी नहीं देखा और इस सबब से वो खौफ ज़दा हो गए, वो डर गए। लेकिन फरिश्ता ने उनको कहा डरो मत, तुम्हें खौफ खाने की जरूरत नहीं, ये जो नूर है, ये जो रोशनी है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं, ये खुदा का जलाल है, क्योंकि आज तुम्हारे लिए बैतलहम में मनज्जी पैदा हुआ है, नजात दहिंदा पैदा हुआ है, छुटकारा देने वाला पैदा हुआ है और तुम्हें खौफ खाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा डर जाता रहे। और जब वो ये कलाम फरिश्ता कर ही रहा था तो एकदम से उस फरिश्ता के साथ आसमान से एक आसमानी गरोह लश्कर और फरिश्ते आ गए हैं और उन सब ने खुदा की स्ताइश और हम्द करनी शुरू कर दी। उन्होंने एक नगमा गाना शुरू कर दिया, उनकी जबान पर एक गीत है आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो। काश
आज हर एक मसीही की जबान पर खुदा की तमजीद हो, क्योंकि इस मौका पर आसमानी क्वायर है, ये पहला क्रिसमस है। बेटी पहले भी कह रही थी कि बहुत सारे लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं, बल्कि हैं, और कुछ जमातों को मैं जानता हूं और वो हैं खिलाफ, लेकिन फिर भी क्रिसमस मनाते हैं। वो पले हो एक पासे लागे दो, फिर भी अपने आप को क्रिश्चियन साबित करने के लिए वो क्रिसमस की खुशियां मनाते हैं, अपने चर्चेज में क्रिसमस ट्री, अपने घरों में क्रिसमस ट्री लगाते हैं, और भी दीगर जो क्रिसमस के साथ खुशियां जुड़ी हुई हैं उनको वो लेते हैं और कहने नहीं मनाना नहीं चाहिए, ये अखीर जमाने की नबूवत है। बचें ऐसे लोगों से। आज भी बहुत सारे लोग हैं मसीही, लेकिन वो कड़वे दाने हैं, और वो घरों में आते और पता नहीं क्या क्या बातें सुनाते हैं। हमें जरूरत ये है क्रिसमस के मौका पर इस बात को जानने की कि पहले क्रिसमस के मौका पर क्वायर जो है वो आसमानी है। आज गली मोहल्लों में बहुत सारे लोग निकले हुए हैं, पहले तो वो प्रैक्टिस करते थे, आज उनके पास आप सब समझ गए हाँ स्पीक कर चुके होया ओरे जी लाइन, और पता नहीं कैसे कैसे वो कर रहे हैं। ये पैसे इकट्ठे करने का नाम नहीं, ये खुदा के लिए अपने आप को पेश करने का नाम है। कल रात छोटे छोटे बच्चे थे 3, बड़ा अच्छा लगा मुझे उन्हें। मैं अपने मैं विजिट के लिए जाने वाला था, बाहर दरवाजे पे थे, उनको मैंने सुना, फिर मैं उन्हें अंदर लेकर आया, उनसे मैं सुन रहा था। गडरियों को क्या कह रहे थे, गंडेरियां, और मजूसियों को पता नहीं क्या बोल रहे थे, ये बशारत के लिए निकले हुए हैं। और जब मैं उनको दरवाजे तक छोड़ने गया, बल्कि मैंने भी जाना था, पहले भी मैं निकल रहा था, वो रास्ते में मुझे मिल गए 3 या 4 बच्चे और आगे बिल्कुल गेट के करीब थे। उन्होंने कहने 100 रुपया मिले आजे। वालदैन को ख्याल करने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को किस काम पर लगा रहे हैं। क्या ये खुदा की तारीफ और तमजीद, खुदा की स्ताइश और खुशखबरी सुना रहे हैं, या पैसे इकट्ठे कर रहे हैं? और कई दफा इनका इस पर झगड़ा भी होता है, और कई बड़ी पार्टियां हैं जो इसी पैसे से शराब खरीदते हैं, नशे खरीदे जाते हैं, और उनको जो है वो अपनी जिंदगी में लेते हैं। अजीजो, पहली क्वायर जो है वो आसमानी है, मकद्दस है, मकद्दस फरिश्तों की है, आसमानी आवाज है। आज भी जो कोई निकलता है उसके मुंह में खुदा का कलाम होना बहुत जरूरी है। ये मजाक नहीं है, बल्कि इन दिनों क्रिसमस के दिन चल रहे हैं, गली की रौनकें बढ़ गई हैं, एक एक दो दो तीन तीन मुख्तलिफ जगहों पर आपको लोग शोर मचाते हुए नजर आएंगे, गालियां बक रहे हैं, और किया जी बड़ा दिन मना रहे हैं, पीती आई है और क्या कर रहे हैं। ये यौमे बशारत है, मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूं, और ये क्रिसमस जो है ये यौमे बशारत है,
ये तो दूसरों को तालीम देने का मौका है, बशारत देने का मौका है, खुदा की आवाज पहुंचाने का मौका है, खुदा का कलाम पहुंचाने का मौका है, खुदा की हम्द और स्ताइश करने का मौका है। और इस मौका पर कई लोग बुरी राहों पर चल रहे हैं। महज अच्छे कपड़े पहन लेना, महज अपने चर्च को जबरदस्त तरीके से डेकोरेट कर लेना क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस यह है कि कोई भी शख्स उसके दिल की चरनी में यीशु मसीह पैदा हो जाए, वो अपने दिल में यीशु मसीह को मौका दे और उसके अंदर यीशु मसीह नासरी, नजात दहिंदा, बचाने वाला मनजी जो है वो पैदा हो और वो उसको अपने दिल में ले और बुरी राहों से दूर हो जाए, हर तरह का बुरा काम उसकी जिंदगी से निकल जाए, यीशु उसके दिल में आ जाए। और जब हम मत्ती की अंजील को पढ़ते हैं तो मत्ती की अंजील ये हमें तालीम देती है कि जब यीशु मसीह पैदा हुए, आसमानों पर जो सितारे हैं उन सितारों में एक ऐसा सितारा नजर आ रहा है जो नहायत जो है शाइनी सितारा है, चमकदार सितारा है, और उसकी रोशनी में, उसकी रहनुमाई में कौन लोग आए? जी है क्रिश्चियन हो, हाँ, कौन लोग आए जी? जोर से बोल दें, कौन लोग आए? और ये मजूसी लोग जो हैं, ये इल्मे नजूम को समझने वाले, इल्मे नजूम पर इनकी बड़ी रिसर्च और नहायत ये दानश्वार लोग, और इनके मर्तबे ऐसे हैं जैसे ये बादशाहों, ये एक सितारे की रहनुमाई में चलना इन्होंने शुरू कर दिया है, मशरक से ये निकले हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं और उस मकाम पर पहुंचे हैं जहां यीशु मसीह है। इन्होंने रास्ते में एक गलती भी की है, इन्होंने सितारे को जो रहनुमाई के लिए दिया गया है उसको छोड़ दिया है और बादशाह के पास चले गए हैं, क्योंकि ये बादशाह तबीयत लोग थे, बादशाह थे, इसलिए ये बादशाह ही के हाँ चले गए कि इस इलाके में जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। वो बादशाह इस कदर जालम बादशाह, उसने अपने दो बेटों को कत्ल करवा दिया कि मेरे साथ कोई बगावत ना हो जाए और ये बादशाही हासिल ना कर ले, और उसने उस इलाके के दो दो साल या दो से कम साल के तमाम बच्चों को मरवा दिया कि किसी तरह से ये बादशाह भी मर जाए, कत्ल हो जाए। वो इन मजूसियों को क्या बेहतर राय दे सकता है? ये तो शुक्र है खुदावंद खुदा का कि खुदा ने फिर इन मजूसियों की रहनुमाई की और ख्वाब में इनको मैसेज मिला कि तुम
इस बादशाह के पास वापस ना जाना, क्योंकि ये बादशाह मकार बादशाह है, ये नजात दहिंदा को कत्ल करवाना चाहता है, और वो एक दूसरे रास्ते से निकल गए। अब ये मैं बात करना चाहता हूं कि ये जो मजूसी हैं, ये एक स्टार की रहनुमाई में चलते हुए बढ़ते हुए उस मकाम तक पहुंचे हैं, और ये मजूसी जो हैं वो बुत प्रस्त लोग हैं, खुदा को मानने वाले नहीं हैं, लेकिन सितारे की रहनुमाई में पहुंचकर अपने खुदावंद को आकर सजदा करते हैं। वो तब्दील होते हैं, बदलते हैं, उनके पास तोहफे हैं, नजराने हैं, वो खुदावंद खुदा की हजूरी में, निजात दहिंदा की हजूरी में पेश करते हैं। काश आज का मसीही चमकदार सितारा हो, जिसकी रहनुमाई में लोग खुदा तक पहुंचे। और अगर चमकता हुआ सितारा ही गली में पड़ा हुआ नजर आए, गालियां बकता हुआ नजर आए, नशे की आदत उसकी जिंदगी में से खत्म ही नहीं होती, वड्डा दिन हुंदा ही शराब दे नाले, तो फिर ये रोशनी कैसी गैर कौमों के सामने जाएगी, कैसी जाएगी, अच्छी या बुरी, पूरी रोशनी जाएगी। और ये हमारे स्टार जो हैं, हमारे वो अच्छा साइन नहीं है। काश हर मसीही एक सितारे की मानत, बल्कि शाइन स्टार हो, चमकता हुआ सितारा हो, और लोग रहनुमाई मांगे उनसे, क्योंकि लिखा है कि तुम दुनिया का नूर हो। हमारी रोशनी दुनिया में फैलनी नहायत जरूरी है, और ये रोशनी ये अच्छे अमाल से हो सकती है, अपनी जिंदगी को तब्दील करने के वसीला से हो सकती है। जिस तरह से मैं जब खुदावंद में नहीं था, मैंने इतनी बड़ी बड़ी मूछें रखी होती थी, अकड़ अकड़ कर चलना, और मैं समझता था कि मैं दहशत खान हूं। लेकिन जब मसीह की रोशनी मेरी जिंदगी में आई और मेरे दिल की चरनी में यीशु मसीह को मौका मिला, तो मेरी लाइफ बदल गई, मेरा बोलना बदल गया, मेरे मुंह से गाली जाती रही और कई तरह के बुरे काम खत्म हो गए, नशे खत्म हो गए, और खुदा ने मुझे संभाला। और आज बहुत सारे लोग, उनकी ख्वाहिश होती है, बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं, अपने बीमारों के लिए दुआ कराते हैं, अपनी बरकत के लिए मुझसे दुआ कराते हैं। वो स्टार जो दबा हुआ था, वो सितारा जो अब्लीस के हाथों मदम हो चुका था, जब वो अब्लीस के हाथ से निकला, तो आज आपके सामने एक पास्टर की सूरत में मौजूद है। तो ये जो कलाम है, ये सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं, हम में से हर एक को अपनी जिंदगी को तब्दील करना है, हम में से हर एक ने शाइन स्टार बनना है, चमकता सितारा बनना है, लोगों की रहनुमाई खुदा तक, रसाई खुदा तक हमें करने की जरूरत है। ये ना हो कि लोग कहें, हाँ मुझे पता है वो क्रिश्चियन लोग, हाँ उनका बस यही है, पीना पिलाना ही काम है। काश हम बदल जाएं।
बदल जाए। और खुदा रा मैं आपसे नसीहत करता हूँ, आपके साथ कलाम करता हूँ, अपनी जिंदगियां खुदावन के हाथों में दे। क्रिसमस को इस तौर से मनाए कि निजात दहिंदा आपकी जिंदगी में पैदा हो जाए। सिर्फ बैतलहम की बात ना करें, सिर्फ जर्नी की बात ना करें, किसी इलाके की बात ना करें, उसे देखकर खुश ना हो, उसके जन्मदिन पर सिर्फ खुशी ही ना मनाएं, बल्कि उसको अपनी जिंदगी में मौका दें और आपकी जिंदगी में यीशु मसीह आ जाए, तो यही हकीकी क्रिसमस है, यही हकीकी क्रिसमस है, यही हकीकी बड़ा दिन है, यही हकीकी वड़ा दिन है। और अगर ये नहीं तो फिर मनाते रहें, करते रहें, चलते रहें, फायदा कुछ नहीं होना, फिर देखा दिखाई करा लिए, कर लिए, कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे और आपको, हम सबों को मसीह का चमकता हुआ सितारा बनने की जरूरत है, रोशन सितारा जो लोगों को रहनुमाई करने वाला हो, जो लोगों की असलाह नसीहत तरबियत करने वाला हो, जो लोगों को खुदा तक लाए। वो स्टार दूर दराज से लोगों को लेकर आया है और यीशु के सामने पेश कर दिया है और उन्होंने आकर सजदा कर दिया है। किसको सजदा किया है? यीशु को। तो अगर आपके वसीला से कोई शख्स यीशु के पास ना आए तो फिर आप कैसे स्टार हैं, हा? या मैं कैसा सितारा हूँ? ज़रूरत है इस बात को समझें और जानें। क्रिसमस को फिर कहूँगा इस तौर से ले कि इस क्रिसमस पर हमने निजात दहिंदा को मौका देना है, उसकी निजात को अपनी ज़िंदगी में लेना है। अपने सर को खुदावंद के हुजूर में झुकाएं और दुआ करना शुरू कर दें। अजीजों, ये नहायत संजीदा मौका है, अपने आप को खुदा की हुजूरी में पेश करें, संजीदा हो जाएं, अपने आप को खुदा की हुजूरी में पेश करें और अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि आप क्रिसमस को किस तरह से मना रहे हैं। अबलीस के हाथ में रहकर, शैतान के हाथ में रहकर, या खुदा के साथ मिलकर, या खुदा के फरिश्तों के साथ मिलकर खुदा की तमजीद करने वाले हैं। अपने सर को झुका लें, मेहरबानी से इधर उधर ना देखें, ये बच्चों को देखने का मौका नहीं है। आपने खुदा का कलाम सुना है, अभी इसी वक्त आपके लिए मौका है कि सच्ची तौबा को अपनी जिंदगी में ले, अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें और कहें कि खुदावन, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, पूरे दिल से ईमान लाता हूँ,